तो लेटेस्ट चार्ट चैप्टर का नाम है डिपॉजिट्स, सेक्शन 2 क्लॉज 31। सबसे पहले डिपॉजिट्स की डेफिनेशन बता रहा है एंड क्या कहता है डिपॉजिट्स की डेफिनेशन बताते हुए, कहता है जी डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द वे ऑफ डिपॉजिट्स और लोन्स और इन एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच कैटेगरी ऑफ द अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो दोबारा बोलता हूं, दोबारा पढ़िएगा फटाफट। डिपॉजिट्स इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द वे ऑफ डिपॉजिट और लोन्स और एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी, यानी कि किसी भी फॉर्म में अगर कंपनी पैसा मंगाती है, किसी भी फॉर्म में कंपनी पैसा मंगाए वो डिपॉजिट है। बट इनको छोड़कर जो नीचे लिखे हुए हैं, वाओ, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो नीचे लिखे गए हैं, और आजकल सबसे ज्यादा एग्जाम की मोहब्बत, एग्जामिनर की मोहब्बत भी इसी से ही है, सबसे ज्यादा वो मोहब्बत भी इसी से कर रहा है। एक एक नंबर पे दो दो तीन तीन सवाल हर बार अटेम्प्ट में पूछ रहा है, चार चार भी चीजें पूछ रहा है, चार नंबर पे, एक एक नंबर पे एक चीज है। तो लिखना क्या है, कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, ये डिपॉजिट है या नहीं है, बस आपको यही बता दे जाना है। तो इतनी प्यारी, इतनी सिंपल, इतनी नोनी नोनी सी गेम है आपके लिए बस डिपॉजिट्स की, और ये मार्क्स फ्री फंड के हैं, आओ थाली में भरो ले जाओ, समझ गए। अब समझना कि डिपॉजिट्स में क्या क्या नहीं आता, ताकि जब मैं समझाऊं कि क्या मतलब क्या नहीं आता, तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि क्या नहीं आता और क्यों नहीं आता। अब सुनना शुरू करना, एक्चुअल में डिपॉजिट्स का कॉन्सेप्ट बनाया गया अपने मेंबर्स और पब्लिक से पैसा मंगाने के लिए। शुरुआत में ये पैसा अनसिक्योर्ड मंगाया जाता था, फिर उनकी रक्षा के लिए रूल्स आए, रूल्स ने कहा कि रुक जाओ, इस पैसे की सुरक्षा करने की कोशिश तो की मगर उसके बावजूद भी सुरक्षा हो नहीं पा रही थी, तो रूल्स ने कहा अब यह पैसा सिक्योर्ड होगा। आज के डेट में रूल्स कहते हैं कि जब भी डिपॉजिट्स मंगाया जाएगा, दो ही लोगों से डिपॉजिट्स मंगाए जा सकते हैं, एक मेंबर से एक पब्लिक से। मेंबर से कुछ अलग कंपनियां मंगा सकती हैं, पब्लिक से कुछ अलग, जिनकी चर्चा अभी मैं करने जा रहा हूं। तो मेंबर से या पब्लिक से डिपॉजिट मंगाया जा सकता है, और लॉ मेकर ने पहले इनकी सुरक्षा के लिए रूल्स बनाए, बट फिर जब उनसे भी सुरक्षा नहीं हुई तो कह दिया आज के बाद डिपॉजिट सिक्योर्ड हो गए, ठीक है ना। अब जब से सिक्योर्ड हुआ तब से अभी तक कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ, खैर, बट फिलहाल ये रूल्स किस लिए बनाए गए थे, इनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, किसकी, डिपॉजिटर्स की सुरक्षा के लिए। तो इसमें कुछ चीजें अब नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सुरक्षा देने की जरूरत ही नहीं है, लाइक अमाउंट जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव करते हैं, लोकल अथॉरिटी, स्टेचुटरी अथॉरिटी, इनसे पंगा लोगे क्या, ये तो गला दबा के रिकवर कर लेंगी। तो फिर सिमिलरली फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके इतने जबरदस्त क्रेडिट डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट मतलब जो आपको बैलेंस शीट पढ़कर आपका सारा जन्म कुंडली खोल के रख दें कि इनका पैसा डूबने की संभावना नहीं है, तो बचा लेंगे अपने पैसे को। इनके पास ऐसे ऐसे रिकवरी के प्रोसीजर्स भी होते हैं। फिर सिमिलरली बैंकिंग कंपनी, सेम क्रेडिट डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऐसे होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जैसे यहां काम करते हैं, तो इन्हें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। सिमिलरली कोई भी कमर्शियल पेपर्स जो कि आरबीआई के डायरेक्शन के मुताबिक कंपनियां इशू करेगी, अब कमर्शियल पेपर का नेचर अनसिक्योर्ड होता है, डिपॉजिट नेचर सिक्योर्ड है, मिसमैच हो गया तो इसलिए इसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अदर कंपनी, अब जो भी कंपनी दूसरी कंपनी से कुछ रिसीव करती है ना, तो इसके ऊपर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 186 लग जाता है, क्योंकि उसके लिए अलग प्रावधान है, तो इसलिए डिपॉजिट के नियमों में यह कवर नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड टूवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी, ध्यान रखना वो जो शेयर एप्लीकेशन मनी आता है ना, तो जब तक अलॉटमेंट नहीं होता तो शेयर एप्लीकेशन में पड़ा रहता है, फिर अलॉटमेंट होता है। अच्छा, अलॉटमेंट कितने दिन में होता है, 60 डेज के अंदर, और अगर 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो लॉ कहता है अगले 15 दिन में वापस कर दो, पर अगर 15 दिन में भी वापस नहीं किया तो फिर वो डिपॉजिट है, यानी कि जब वो सिक्योरिटी, जब वो शेयर एप्लीकेशन का मनी आया तब वो डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि उसने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होना है, तो इसलिए 60 दिन तक वेट किया जाएगा अलॉटमेंट का। अगर 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं, अब उसको वापस कर दो, 15 दिन वापस करने के लिए दिए, 15 दिन में भी वापस नहीं किया तो फिर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स बन जाएगा। बात समझ आ गई, चले और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर कहता है एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट, कोई भी अमाउंट जो रिसीव करेंगे किससे, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, तो ये भी डिपॉजिट नहीं है।
अगर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से अमाउंट रिसीव होता है, डिपॉजिट नहीं है, और डायरेक्टर ऑफ द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर अमाउंट होता है तो भी ये डिपॉजिट्स नहीं है, प्रोवाइडेड दैट ये जो डायरेक्टर साहब हैं या रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, इनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ये जो अमाउंट दे रहे हैं ये अपने सोर्सेस से दे रहे हैं और कोई भी बोरोड सोर्सेस से ये पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो भी अमाउंट दे रहे हैं ये अपने खुद के सोर्सेस से दे रहे हैं, बोरोड सोर्सेस से पैसा नहीं दे रहे हैं, इनको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी तभी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, परंतु अगर इन्होंने अंडरटेकिंग नहीं दी तो डिपॉजिट माना जाएगा। फिर डिपॉजिट्स के नियम यहां पर भी अप्लाई हो जाएंगे, गेटिंग इट। चलिए जी प्रदीप सहरावत जी, 75-76 डे से माना जाएगा वहां पे एप्लीकेशन वाले में। नेक्स्ट, कोई भी अमाउंट जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के थ्रू जिनके ऊपर फर्स्ट चार्ज है, बस खत्म हो गई बात, फर्स्ट चार्ज है यानी कि ये तो सिक्योर्ड है, तो जब ऑलरेडी सिक्योर्ड है तो इन्हें डिपॉजिट्स मान के और क्यों सिक्योर करूं। सिमिलरली बॉन्ड्स और डिबेंचर्स कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, भाई जो कंपलसरी कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर्स में वो तो वैसे सिक्योर्ड है, क्यों? क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, तो उनके पास तो वोटिंग पावर आ जाएगी, मालिक बन जाएंगे मालिक, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी देने की जरूरत है ना बाबा? ना, उनको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, एक तो तुम हां नहीं बोलते ना। आगे, एनी अमाउंट रेज्ड बाय द वे ऑफ इश्यू ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ओ माय गॉड, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है प्लस चार्ज भी नहीं है, ये तो बड़ा खतरनाक मुद्दा है, इसको तो सुरक्षा देनी चाहिए। नॉन कन्वर्टेबल है यानी कि इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, मतलब अनसिक्योर्ड है, ओ माय गॉड, बट लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, जब लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेबी के नियम इस पे अप्लाई हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के नियम अप्लाई हो रहे हैं, बस अगर तुमने उनका पालन ना किया तो जो टांगे तोड़ेंगे ये दोनों संस्थाएं मिलके, पूछो मत। तो इसका मतलब आराम से ये भी पैसा कहीं नहीं डूबने वाला, चिंता मत करो, इसको सुरक्षा क्या दें हम, कोई सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। कोई भी अमाउंट जो कि इंप्लॉय से रिसीव होगा उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोबारा बोलो, कोई भी अमाउंट जो इंप्लॉय से रिसीव होगा उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये क्यों? देखो ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं गया काम करने के लिए होंडा में, अब होंडा में काम करने के लिए गया तो मोटरसाइकिल बनाती थी होंडा या हीरो मोटर्स में चले जाते हैं, हीरो मोटर्स वाले जो हैं वो बनाते थे मोटरसाइकिल बनाते थे, जब मैं मैन्युफैक्चरिंग मशीन पे गया तो मैंने जेब में 20-25 नट डाले, नट बोल्ट जो होते हैं वो डाले और लेके आ गया मैं, ऐसे ही मैं रोज लेके आने लगा, तो भाई साहब मेरा तो हो गया कंपनी का तो हो गया कांड, इस तरीके से महंगे महंगे 200-200 रुपए 500-500 रुपए के नट बोल्ट मैं जेब में भर के लाने लगा। अब हुआ क्या कि इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कई बार अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ये नियम लगाती हैं कि आप अगर किसी क्रिटिकल इक्विपमेंट के पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा कि अगर वहां से चोरी हुआ पार्ट तो फिर आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काट लिया जाएगा। तो ये जो पैसा है ना एम्प्लॉय से जो लिया जाता है, अगर वो उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं है, एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं है, अगर एनुअल सैलरी से ज्यादा है तो डिपॉजिट है, और अगर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो तो भी डिपॉजिट है, तो फिर डिपॉजिट कब नहीं है? जब एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं है प्लस जब उस पर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है तो वो डिपॉजिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट जो कि कंपनी रिसीव करती है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट वो डिपॉजिट नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन वगैरह डिपॉजिट नहीं है। आगे आता है जी हमारे पास, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ओके, कहता है जी कोई भी अमाउंट अगर आपको बिजनेस वगैरह के लिए रिसीव हुआ है तो वो भी डिपॉजिट्स नहीं है। अच्छा, कब कब नहीं है देखिएगा पढ़िएगा, कब कब डिपॉजिट नहीं है। कहता अगर वो अमाउंट रिसीव होता है एडवांस के रूप में फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स और द सर्विसेस, यानी कि सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस के लिए अगर आपको एडवांस रिसीव होता है तो फिर अगर उसके अगेंस्ट में गुड्स और सर्विसेस सप्लाई भी हो जाती है विद इन 365 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एडवांस, तो ये बिल्कुल भी डिपॉजिट्स नहीं है, डिपॉजिट्स नहीं है। ठीक है ना, फिर अगर मान लीजिए इस एडवांस के कारण कोई लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह शुरू हो जाती है और 365 दिन से ऊपर भी चले जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी वो डिपॉजिट नहीं होगा। तो यानी कि गुड्स और सर्विस के रिसीव में अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है तो वो डिपॉजिट के डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा, क्योंकि उसके खिलाफ डिपॉजिट, उसके खिलाफ गुड्स और सर्विस की सप्लाई होनी है आपको भाई। फिर सेकंड कहते हैं, एज एन एडवांस अकाउंटेड फॉर इन एनी मैनर रिसीव्ड इन कनेक्शन विद फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर एडवांस रिसीव हुआ आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए
तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एडवांस रिसीव हुआ है तो वो भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा, ठीक है जी। फिर तीसरा कहता है जी, अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे आप पे शक है कि पता नहीं आप परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं, आपने कहा नहीं सर मैं कर लूंगा, तो मैं कहा मेरे पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा। अब डिपॉजिट जमा हुआ है किस लिए? परफॉर्मेंस के लिए, कि परफॉर्मेंस कर पाओगे कि नहीं, तो वो जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जमा हुआ है वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर एडवांस रिसीव्ड अंडर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ द कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स वगैरह की सप्लाई वगैरह के लिए अगर कोई एडवांस रिसीव हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह की सप्लाई के लिए अगर कोई एडवांस रिसीव हुआ है तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए फ्यूचर सर्विसेज के लिए वारंटी और मेंटेनेंस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए अगर आपके पास कोई एडवांस रिसीव्ड हुआ है तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा डिपॉजिट की डेफिनेशन में? कहता है इफ द पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विस, अगर ये जो पीरियड है वो एक्सीड नहीं कर रहा किससे, जो नॉर्मल कन्वेंशन के अनुसार पीरियड चलता है, फॉर एग्जांपल आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, आप लैपटॉप खरीदते हैं, उसके अलावा उसके बाद आप उसकी एडिशनल मेंटेनेंस वगैरह के लिए आप एक वारंटी खरीदते हैं अगले 3 साल 2 साल इस तरीके का, ठीक है ना। तो मान लीजिए लैपटॉप और रेफ्रिजरेटर में कितना चलता है? 3 साल का। तो लॉ कहता है जो भी उस प्रोडक्ट में चलता है for the period does not exceed, sorry, if the period for providing such service does not exceed the period prevailing as per the common business practice or 5 years from the date of acceptance of such service whichever is less, यानी कि जो भी जैसे refrigerator वगैरह के लिए 3 साल चलता है, 3 साल या 5 साल whichever is lower, तो वो जो इस certain period के लिए वो deposit नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एज एन एडवांस रिसीव, क्योंकि उसके लिए आपने सर्विस देनी है ना, मेंटेनेंस वारंटी सर्विस देनी है, एडवांस रिसीव्ड एंड अलाउड बाय अ सेक्टर रेगुलेटर, तो यानी कि कोई आरबीआई अपने बैंकों को अलाउ करता है एक सर्टन अमाउंट डिपॉजिट का एक्सेप्ट कर सकते हो आप, तो फिर वो जो भी सेक्टर रेगुलेटर की परमिशन के साथ में जो आपको अमाउंट मिला है वो भी नहीं आएगा, वो भी कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा डिपॉजिट के डेफिनेशन में। फिर एडवांस फॉर द सब्सक्रिप्शन towards the publication whether in print or in electronics to be adjusted against the receipt of such publication, मान लीजिए कोई पब्लिकेशन में आइटम है, पब्लिकेशन में कोई बुक वगैरह है, आपने उसके पब्लिशिंग वगैरह के लिए कोई एडवांस वगैरह जमा कराया है, तो बदले में आपको वो बुक सप्लाई होनी है ना, तो इसलिए वो भी एडवांस डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर कहता है जी आइटम नंबर ए जो गुड्स एंड सर्विस थी, बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, डी कैपिटल गुड्स वगैरह की, बिकम रिफंडेबल ड्यू टू द रीजन डेट कंपनी जो इन्हें एक्सेप्ट कर रही है उसके पास नेसेसरी परमिशन या अप्रूवल ही नहीं है टू डील इन द गुड्स और द प्रॉपर्टी और सर्विस फॉर विद द मनी इज टेकन। देखो जी अगर कंपनी के पास इनमें डील करने की ताकत ही नहीं थी, फिर भी कंपनी ने एडवांस रिसीव कर लिया है तो ये अमाउंट रिफंडेबल बन जाएगा, मतलब वापस करना पड़ेगा। देन द अमाउंट रिसीव्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ डिपॉजिट, तो इस अमाउंट को मैं डिपॉजिट ट्रीट करना शुरू कर दूंगा और डिपॉजिट के सारे प्रोविजंस, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ अप्लाई एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। फिर कहता है द अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी डिपॉजिट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट दे बिकम ड्यू फॉर रिफंड। हाँ जी, ये अमाउंट डिपॉजिट कौन से दिन से होगा? देखो 15 दिन तो मैं आपको कह रहा हूं कि हमें आपको अमाउंट रिफंड करने के लिए दे रहे हैं, 15 दिन अमाउंट को रिफंड करने के लिए दे रहे हैं, 16वें दिन से मैं इसे डिपॉजिट मानना शुरू कर दूंगा। किस दिन से डिपॉजिट माना जाएगा? 16वें दिन से, 16th डे से। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर्स, अच्छा प्रमोटर्स अमाउंट लेके आए, क्यों? क्योंकि बैंक ने कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की, बैंक ने कहा हम 75 करोड़ तक दे सकते हैं मगर प्रमोटर्स को भी अपना लाना पड़ेगा कम से कम 25 करोड़ ताकि डेट इक्विटी रेशियो 3:1 रहे, वो एक्सेप्टेबल है हमें। अब क्या मैं कह सकता हूं प्रमोटर को बैंक के लोन की इस कंडीशन के कारण पैसा लाना पड़ रहा है? हाँ, कितना लाना पड़ रहा है? 25 करोड़ रुपए, क्योंकि बैंक ने कंडीशन लगाई है इसलिए लाना पड़ रहा है। द आंसर इज यस, दिस इज कॉल्ड प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो ये जो प्रमोटर जो अमाउंट लेके आया है कंपनी में क्योंकि बैंक के लोन की एक कंडीशन थी, इसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। कोई भी निधि कंपनी जो अमाउंट एक्सेप्ट करेगी, निधि कंपनी अमाउंट एक्सेप्ट कर सकती है केवल और केवल अपने मेंबर से, वो अमाउंट लेंड कर सकती है केवल और केवल अपने मेंबर को, तो जो निधि कंपनी अमाउंट एक्सेप्ट करेगी अपने मेंबर से वो भी डिपॉजिट नहीं है।
सिमिलरली कोई चिट फंड कंपनी अगर अपने अमाउंट रिसीव करेगी अपने अपने मेंबर से, तो वो भी डिपॉजिट्स नहीं है जो चिट फंड कंपनी एक्सेप्ट कर रही है. अमाउंट रिसीव्ड अंडर एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन ए कंप्लायंस विद द सेबी. कोई भी अमाउंट जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में आता है, से फॉर एग्जांपल अनुराधा वाली स्कीम याद होगा, फिर हेरा फेरी, आप हमें पैसा दीजिए हम 25 दिन में आपको डबल करके देंगे, ये ऐसी सच स्कीम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कहलाती हैं. आप हमें पैसा लगा दीजिए हम आपके लिए 5-star होटल्स खोलेंगे उसके अंदर आपका भी हिस्सा होगा. आप हमें पैसा दीजिए हम नेशनल हाईवे पे जमीन खरीदेंगे उसमें आपका भी हिस्सा होगा. ऑल दीज स्कीम्स आर कॉल्ड एज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स. तो कोई भी अमाउंट जो रिसीव होता है कंपनी को एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर जो कि सभी के द्वारा गवर्न होता है, तो वहां पर भी डिपॉजिट्स के नियम नहीं लगते हैं. फिर अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर, यानी कि मोर देन और इक्वल टू 25 लाख रुपए जो कि स्टार्टअप कंपनी को रिसीव होते हैं, जो कि किसी स्टार्टअप कंपनी को रिसीव होते हैं बाय द वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स. अब कन्वर्टेबल नोट्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पर लोन देने वाले के ऑप्शन पर होता है कि वो ऑप्शनली कन्वर्टेबल होते हैं, कि वो चाहे तो इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रीपेमेंट भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये उसके ऑप्शन पर होता है. डेफिनेशन देख लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ रिसिप्ट ऑफ मनी इनिशियली एज अ डेट. पहले पैसा लोन के फॉर्म में आया बट वो रीपेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर. होल्डर चाहे तो इन्हें कन्वर्ट कर सकता है उस समय जब पेमेंट की बारी आएगी, उस समय चाह सकता है होल्डर कि नहीं मुझे इक्विटी दे दो, और वो ये भी चाह सकता है कि कोई दिक्कत नहीं आप मुझे रिडीम करके मेरा पैसा ही वापस कर दो. इन्हें कहा जाता है कन्वर्टेबल नोट्स. तो कन्वर्टेबल नोट्स के फॉर्म में अगर पैसा आया है 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो फिर वो भी डिपॉजिट्स नहीं है. क्यों नहीं है, क्या सुरक्षा दें? आप तो आराम से अपने आप को कन्वर्ट कर ही सकते हो. अच्छा, किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो फिर आपको क्या पैसा दें, क्या सुरक्षा दें? आप ऑलरेडी सुरक्षित ही हो, और क्या सुरक्षा दें? जान थोड़ा लेनी है बच्चे की. तो ये सारी चीजें हैं जो डिपॉजिट्स नहीं है. सिमिलरली एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड और म्यूचुअल फंड्स वगैरह से जो पैसा आया है वो डिपॉजिट्स नहीं है, क्योंकि ये भी शेयर्स वगैरह की फॉर्म में कंपनी के अंदर घुसते हैं, तो ये पैसा भी डिपॉजिट्स नहीं होता. इनको सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत नहीं है. कंपनी की यूनिट्स खरीदते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद के बैठे होते हैं ये लोग. चलिए और आगे बढ़ना शुरू करते हैं जी. अब मैंने कहा जी डिपॉजिटर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मेंबर या पब्लिक. मेंबर या फिर पब्लिक. मेंबर कौन सी कंपनियों में डिपॉजिट्स देंगे? देखो जी, कंपनियां भी दो हो सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड. प्राइवेट कंपनियां केवल मेंबर से ही डिपॉजिट्स मंगा सकती हैं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां केवल और केवल मेंबर से ही डिपॉजिट मंगा सकती हैं. बट व्हाट अबाउट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिपॉजिट मंगा सकती हैं. दो केस में डिवाइड की जा सकती हैं. दे माइट बी एलिजिबल कंपनी और दे माइट बी अदर कंपनी. अगर ये अदर्स कंपनी है तो फिर ये केवल मेंबर से ही मंगा सकती है, बट अगर ये एलिजिबल कंपनी है तो ये पब्लिक से भी मंगा सकती हैं, प्लस मेंबर से भी मंगा सकती हैं, दोनों से भी मंगा सकती हैं. अगर कोई आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो तो आप दोनों से मंगा सकते हो, मेंबर से भी पब्लिक से भी. तो अब एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या होता है? वो पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ है, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर देन इट्स मेंबर्स. अपने मेंबर्स के अलावा किसी और से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है वो पब्लिक कंपनी. अपने मेंबर्स के अलावा किसी और से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. समझ आ गई बात? आगे. इन एडिशन द प्रोहिबिशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग कंपनीज. देखो, एलिजिबल कंपनीज भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और एलिजिबल कंपनी के अलावा कुछ और कंपनियां भी हो सकती हैं जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं. वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती हैं? पहला, कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी
ये भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो ले देकर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की ताकत किन पे है? बैंकों के पास। बैंकों में एफडी नहीं देते, एनबीएफसी इनमें भी एफडियां जमा होती हैं, एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां इनमें भी एफडियां जमा होती हैं। बेस्ट एग्जांपल एचडीएफसी जमा होती हैं, एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। चलिए, और साथ में एलिजिबल कंपनी, ये सब पब्लिक से डिपॉजिट्स मंगा सकती हैं। अब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स से रिलेटेड मैंने कहा ना, सारा गेम केवल रूल्स का है, सारा गेम केवल रूल्स का है। तो रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ने दो कैटेगरी में बांटा, एक कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और एक कहते हैं फ्रॉम मेंबर्स। देखो जी, अगर तो पब्लिक मेंबर से मंगाना है तो केवल ओआर पास करने की जरूरत है, बट अगर आपको पब्लिक से मंगाना है तो फिर एक आपको ध्यान करना पड़ेगा। अगर तो डिपॉजिट 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में दी गई लिमिट के अंदर है, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट के अंदर है तो ओआर, बट अगर उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो फिर एसआर चाहिए होगा। अब 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट क्या है? क्वेरी आई है, मीनवाइल स्टॉक ब्रोकर एनबीएफसी में आता है? ना बाबा ना, स्टॉक ब्रोकर इंटरमीडियरी है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, एनबीएफसी अलग कॉन्सेप्ट है। 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर एक लिमिट दी गई है जी, क्या दी गई है लिमिट? क्या है वो? 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट है, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, फिर वो कहता है कि आप जब पब्लिक डिपॉजिट्स मंगाना चाह रहे हो, चाहे मेंबर से या पब्लिक से, तो उसके लिए आपको एक नोटिस या एडवर्टाइजमेंट इशू करनी पड़ेगी, हम इसे कहते हैं सर्कुलर। अगर आप केवल मेंबर से मंगा रहे हो, और एडवर्टाइजमेंट अगर आप पब्लिक से मंगा रहे हो, सर्कुलर अगर आप मेंबर से मंगा रहे हो और एडवर्टाइजमेंट अगर आप पब्लिक से मंगा रहे हो, कंटेंट सेम है। कंटेंट में फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेंड है अगर तो वो आएगा, टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर, कितना अमाउंट ड्यू है, और सच अदर पार्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि दोनों के कंटेंट सेम है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं है। एग्जम्पशंस पे आते हैं, वो कहता है, अभी एग्जम्पशन रुक जाना, अभी थोड़ी देर पहले एक दो और कॉन्सेप्ट कर लो। पहले एक स्टेचुटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए, ये जो सर्टिफिकेट आएगा इसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है, फॉर्म नंबर DPT-1। इसके अंदर स्टेचुटरी ऑडिटर कसम खा के कहेगा कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और सच ये है कि कंपनी का आज की डेट में कोई भी डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट नहीं है, यानी कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट कमिट नहीं किया है आज की डेट में डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में, और अगर कोई डिफॉल्ट था भी सही तो कंपनी उसे रेक्टिफाई कर चुकी है, और रेक्टिफाई करने के बाद 5 साल खत्म हो चुके हैं, 5 साल का पीरियड खत्म हो चुका है। तो दोबारा बोल देता हूं, आज की डेट में कोई डिफॉल्ट नहीं है, अगर पास्ट में था भी सही तो कंपनी ठीक कर चुकी है, और उसको ठीक किए हुए भी 5 साल हो चुका है, ठीक हुए भी 5 साल हो चुका है। अच्छा अनीता बत्रा जी, ऑडिट की रिविजन बेटा अक्टूबर में शुरू होंगी, अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी, जैसे लॉ की खत्म हो जाएंगी ना, फिर अक्टूबर से ऑडिट पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है। चले, अब सुनिएगा, ये जो सर्कुलर है ना, ये आपको आरओसी के पास फाइल करना है, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो या सर्कुलर हो, एडवर्टाइजमेंट आरओसी के पास फाइल करनी है। अच्छा, आरओसी के पास कब? ये आप करने जा रहे हैं इशू टू द मेंबर्स या पब्लिक, आरओसी के पास बाद में नहीं, पहले, इसके पहले के 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है। यानी कि दूसरे शब्दों में आसान यह रहता कि जिस दिन आरओसी को फाइल कर रहे हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इशू करना है, कितने अच्छे शब्द होते हैं, बट लॉ मेकर ने उल्टा लिखा, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर कंटेनिंग द स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर, ठीक है ना। तो बिफोर लिखा है, और ऐसा लिख देते कि आरओसी को डिपॉजिट करने के 30 दिन के अंदर इशू करना तो बहुत आसान लैंग्वेज हो जाती, बट ठीक है, जैसा भी है, भला है बुरा है जैसा भी है, अपना लॉ मेकर अपना है। चले, रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, कंपनी जी तुम्हें क्या करना है, डिपॉजिट्स जो भी रीपेबल होने हैं, 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर,
में जो भी डिपॉजिट रीपे होने हैं उसका 20% अमाउंट उठाओ और शेड्यूल बैंक में सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर उठा के जमा करा दो। जिस अकाउंट में जमा कराए जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो जिस भी अकाउंट में ये पैसा जमा कराया जाएगा क्या कहलाएगा? वो कॉल्ड एज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ठीक हो गई इतनी बात? सेम एप्लीकेबल हेयर। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी ध्यान रखना। मेंबर्स के केस में कंपनी मे प्रोवाइड सिक्योरिटी, बट पब्लिक के केस में कंपनी शेल विद इन 30 days ऑफ सच एक्सेप्टेंस क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स। ध्यान रखना, चार्ज केवल टेंजिबल एसेट्स के ऊपर होगा, इनटेंजिबल को हम कंसीडर्ड नहीं करेंगे। दोबारा बोल देता हूं, इनटेंजिबल को हम कंसीडर्ड नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज शेल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड। यानी कि दूसरे शब्दों में क्या मैं कह सकता हूं, 100% चार्ज होगा। तो जितना आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है अमाउंट ऑफ चार्ज उससे नीचे नहीं होना चाहिए, 100% चार्ज रहना चाहिए। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गई इतनी बात? चले, एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ। अगर अच्छा, अब हम वो जो हमने ऊपर एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन छोड़ी थी ना, तो उसे अब हम कर सकते हैं आराम से। देख लीजिएगा, ये हम आ गए इसके ऊपर। लो जी, कहते हैं जी एग्जम्पशन मिल जाएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को। किस किस से? सर्कुलर इशू करने की जरूरत नहीं है, ये सर्कुलर आरओसी को फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो 20% का अमाउंट डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है। डीपीटी 1 स्टेचुटरी ऑडिटर के द्वारा दिलवाने की जरूरत नहीं है। कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां? जो अपने मेंबर्स से केवल 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट्स तक इश्यू कर रही हैं, जो कि स्टार्टअप नेचर की हैं पहले 5 साल तक, जो कि इन तीनों के तीनों कंडीशंस को पूरा करती हैं। तीनों कंडीशंस कौन सी हैं? ये किसी भी और कंपनी की एसोसिएट नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, किसी भी और कंपनी की ना एसोसिएट है ना सब्सिडरी है। इनकी जो टोटल बोरोइंग या लोन है फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉरपोरेट, ये तीनों ध्यान रखना, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉरपोरेट, जो इनकी बोरोइंग है डेट इज कितनी है? लेस देन है। लेस देन किसका? इनकी पेड अप कैपिटल का 2 times और 50 crore विच एवर इज लोअर से लेस है। ठीक है, आगे, एंड इन्होंने कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं किया है। इन कंपनीज का कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी कर देती हैं, पहली ये एसोसिएट और सब्सिडरी नहीं है, दूसरी इनकी बोरोइंग कम है, पेड अप कैपिटल का 2 गुना और 50 crore विच एवर इज लेस से कम है, और कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, तीनों कंडीशन पूरी है, दे कैन गो अहेड, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। अभी राजकुमार जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बेटा, गॉड ब्लेस यू, सुखी रहो, खुश रहो। चलो जी, तो हमने यहां तक का कॉन्सेप्ट कर लिया, अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं कि डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट जो क्रिएट किया था ना, वो किस लिए यूज हो सकता है? केवल और केवल रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए यूज हो सकता है, किसी और काम के लिए यूज नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? भाई बोलो ना। हाँ, तो अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूं मैं, जिसका नाम है टेन्योर फॉर विच द डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड। द डिपॉजिट कितने टेन्योर के लिए एक्सेप्ट किए जा सकते हैं? तो लॉ कहता है कि मैक्सिमम 36 महीने के लिए और मिनिमम 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 36 मंथ और मिनिमम 6 मंथ, चाहे वो मेंबर से हो चाहे वो पब्लिक से हो। तो टेन्योर मैक्सिमम कितना है? 36 मंथ। मिनिमम कितना है? 6 मंथ। बट फिर यहां पर एक एक्सेप्शन आती है बहुत गजब की, वो कहती है ठहरो, 6 महीने से कम के भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं अगर कुछ कंडीशंस कंप्लाई हो जाएं। अच्छा कौन सी कंडीशन? लॉ कहते हैं जी 2 कंडीशन है। पहला, ये जो 6 महीने से कम के डिपॉजिट है ये कितने हो सकते हैं? सच डिपॉजिट शेल नॉट बी 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए।
10% मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक एंड, और इनका टेन्योर 3 महीने से नीचे नहीं हो सकता, यानी कि 3 से 6 महीने के बीच में हो सकता है मगर 3 महीने से नीचे नहीं हो सकता, एंड दे कैन बी अप टू मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। इतनी बात क्लियर हो गई, बढ़ सकते हैं आगे। चले जी, अगला पॉइंट आता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स कितना हो सकता है। देखो जी, पहली बात, अगर कंपनी केवल मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो जो मैक्सिमम डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, डेट शेल नॉट एक्सीड 35% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। परंतु अगर कंपनी ऐसी है कि जो पब्लिक से प्लस मेंबर से दोनों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो मेंबर्स की लिमिट कितनी है, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके अलावा कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है 25% तक, 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। परंतु अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनी ओवरऑल सब कुछ मिला के 35% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कहते जी, प्राइवेट कंपनियों की अगर बात करूं तो प्राइवेट कंपनी किससे एक्सेप्ट कर सकती है, केवल मेंबर से, तो उनकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सवाल उठा फिर ये 35% किसके लिए है, ये 35% बची फिर पब्लिक कंपनियों के लिए जो कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो नहीं है वो 35% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, प्राइवेट कंपनियां 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। फिर कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा, वो कौन सी है, वो प्राइवेट कंपनियां जो कि स्टार्टअप नेचर की हैं, वो 10 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन जितना मर्जी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है। फिर वो प्राइवेट कंपनियां जो कि इन तीनों के तीनों कंडीशंस को पूरा करती हैं। कंडीशन है, पहली कंडीशन जो कि किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं है, सब्सिडरी नहीं है किसी और कंपनी की। दूसरा, जिसकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग जो है इस कंपनी की फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट, इन तीनों से जो बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं उनसे जो टोटल बोरोइंग है वो उसकी पेड अप कैपिटल के 2 times और 50 crore विच एवर इज लोअर से कम है, यानी कि 2 into पेड अप कैपिटल और 50 crore विच एवर इज लोअर, जितना भी निकलता है, मान लीजिए निकल के आया आप 1 crore, तो फिर इससे कम की बोरोइंग है आपके पास, ठीक है। एंड जो भी आपकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग है उस बोरोइंग में आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हुआ, यानी कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। तो ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो तीनों शर्तों को पूरा कर दे, उनके ऊपर कोई भी लिमिट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने मर्जी वो बोरोइंग कर सकती है, ठीक है। चले आगे, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर डिपॉजिट ट्रस्टी। डिपॉजिटर्स के हितों के लिए ट्रस्टी अपॉइंट होगा, डिपॉजिटर्स के हितों के लिए ट्रस्टी अपॉइंट होगा, जो कहता है कि वन और मोर ट्रस्टीज फॉर द डिपॉजिटर नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अगेन, वन और मोर ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर क्रिएटिंग द सिक्योरिटी, ठीक है जी। ये जो आप डिपॉजिट ट्रस्टी क्रिएट कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, क्या इसकी रिटर्न कंसेंट होना जरूरी है? यस, उसकी रिटर्न कंसेंट होना जरूरी है। और ये फैक्ट कि उसकी रिटर्न कंसेंट आप प्राप्त कर चुके हो, ये सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन भी जरूर की जाएगी कि हां जी, आपने उसकी कंसेंट ऑब्टेन कर ली है। जैसे डिबेंचर के अंदर हमने डिबेंचर ट्रस्टी की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की थी, सिमिलरली डिपॉजिट ट्रस्टी की भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है। मैं ये तो नहीं कहूंगा सेम है, बट काफी मिलती जुलती है। जैसे आप डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकते अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, केएमपी हैं, और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, या फिर इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट हैं। यानी कि अगर डायरेक्टर हैं, ये कंडीशन वहां पे भी थी, केएमपी हैं, ऑफिसर हैं, एम्प्लॉई हैं, कहां पर, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग में, या फिर आप खुद एक डिपॉजिटर हैं, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो आप एलिजिबल नहीं है डिपॉजिट ट्रस्टी बनने के लिए। दूसरा, अगर आप इनडेप्टेड हैं कंपनी के, यानी कि कंपनी को आपने देने हैं, या फिर उसकी सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, मतलब डेटर हैं किसके, ऑफ कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, होल्डिंग की सब्सिडरी, डेटर हैं कैश के, डेटर हैं कैश के, डेटर हैं। अगली बात,
अगर आपका कोई मेटीरियल मॉनेटरी रिलेशनशिप है, शब्द क्या है मेटीरियल मतलब बहुत बड़ा अच्छे खासे लेवल का, अभी से डिफाइन नहीं किया गया, पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी रिलेशनशिप विद द कंपनी है, एक वर्ड होता है रिलेशनशिप और एक वर्ड होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन डिनोट करता है इवेंट और रिलेशनशिप डिनोट करता है सीरीज ऑफ इवेंट। सीरीज ऑफ इवेंट मतलब अगर मैं गया डोमिनोज के पास, मैंने कहा ए डोमिनोज वाले जरा पिज्जा तो खिला, उसने पिज्जा खिलाया, मैंने कहा ए डोमिनोज वाले अब मैं रोज आऊंगा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि पोपली तुझे पिज्जा जरूर खाना है तो मैं अब रोज आऊंगा, उसने कहा अच्छा। अब आज मैं गया तो उसे पता है कि ये पोपली कल भी आएगा, कल मैं गया तो उसे पता है परसों भी आएगा, परसों मैं गया तो उसे पता है अब फिर आगे आगे आएगा। तो यानी कि जो जो डोमिनोज वाले और मेरे बीच में जो क्या चल रहा है, ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं, हाँ क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन चल रही है, जैसे ही बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई दिस बिकम रिलेशनशिप, एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप, एक ट्रांजेक्शन एक इवेंट मतलब ट्रांजेक्शन। वर्ड क्या यूज हुआ है रिलेशनशिप, यानी कि आपकी लगातार ट्रांजेक्शन होती रही है और बड़े लेवल पे हुई है क्योंकि वर्ड है मेटीरियल, पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी। अब ये और बात है कि यहां पेक्यूनरी को डिफाइन नहीं किया गया तो कांट हेल्प इट, क्या कर सकते हैं, और ठीक है अच्छी बात है हमारे लिए याद करने के लिए कम हो गया। आगे आपने गारंटी दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेट सिक्योर्ड बाय द डिपॉजिट और इंटरेस्ट, यानी कि इन डिपॉजिट्स के रीपेमेंट के लिए आपने गारंटी दी है और आप ही डिपॉजिट ट्रस्टी बन रहे हो, तो कल को डिपॉजिट अगर डिफॉल्ट हुआ तो डिपॉजिट ट्रस्टी के रूप में आप एक्शन लोगे किसके ऊपर, अपने ऊपर ही, क्यों, क्योंकि आप ही तो वो हो गारंटर हो। तो ये पॉइंट वहां पे भी था डिबेंचर में भी, याद है, तो आप नहीं बन सकते, ध्यान रखना। और अगर आप रिलेटेड पार्टी हैं ऊपर वाली ए वालों की, जो ए में पार्टीज दी हुई हैं, कौन कौन दी हुई हैं, डायरेक्टर केएमपी प्रमोटर वगैरह ये सब, अगर आप इनके रिलेटिव हैं तो भी आप नहीं बन सकते, या फिर आप अगर आप डिपॉजिटर के रिलेटिव हैं, क्योंकि यहां पर ए पॉइंट में डिपॉजिटर भी दिया हुआ है, तो अगर आप डिपॉजिटर के भी रिलेटिव हैं तो भी आप क्या डिपॉजिट ट्रस्टी बन सकते हैं, आंसर इज नहीं बन सकते, डिपॉजिटर के ट्रस्टी हैं तो भी नहीं बन सकते। क्लियर हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं जी। चले रिमूवल ऑफ ट्रस्टी, अगर आप डिपॉजिट ट्रस्टी को रिमूव करना चाहते हैं, याद करो जी डिबेंचर ट्रस्टी का भी रिमूवल का सेक्शन था, यहां पे भी वही है, हाँ जी डिपॉजिट ट्रस्टी को रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हां मगर कंडीशन क्या है कि जितने डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में आए हैं, ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, उन सबकी कंसेंट ले लो। टोटल डायरेक्टर हैं 15, मीटिंग में आए 10, कंसेंट दी 9 ने, क्योंकि एक ने कहा मैं वोट नहीं करूंगा, मुझसे वोट नहीं किया जाता, 9 की कंसेंट है, उसने अगेंस्ट में वोट नहीं डाला बट उसने वोट ही नहीं डाला, वो अगेंस्ट में नहीं था बट उसने कहा मुझे वोट ही नहीं डालना। आए कितने थे मीटिंग में 10, वोट फेवर में कितने ने किया 9 ने, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, क्योंकि रेजोल्यूशन पास होने के लिए जरूरी है 10/10 हो, जितने आए हैं मीटिंग में 12 आए, 12/12 चाहिए, बात समझ आई, तो इसलिए नो रिमूवल एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। इनकेस द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है तो क्या एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी वहां पर होना जरूरी है, द आंसर इज यस, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी वहां पर होना जरूरी है। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ सकते हैं। चले फिर कहता है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट्स, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर मेकिंग डिपॉजिट्स। ओके देखो जी, डिपॉजिट्स देने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक डिक्लेरेशन आएगी। डिक्लेरेशन क्या आएगी कि ये जो डिपॉजिट दे रहा हूं ये मैं अपने फंड से दे रहा हूं, मैं मार्केट में पैसा बोरो करके नहीं दे रहा हूं, पैसा बोरो करके नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पैसा बोरो करके कंपनी को डिपॉजिट के रूप में देना कल को वो बैंकिंग सिस्टम के लिए भी खतरनाक है, आपके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आपने किसी से पैसा उठाया, से फॉर एग्जाम्पल बैंकों से आपने पैसा उठाया, और बैंकों से अगर पैसा उठाया तो बैंकों का पैसा ऐसी कंपनियों में लग रहा है जहां बैंक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आप तो करना चाह रहे हो वहां पर बैंक नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए गलत है। तो बोरोइंग से नहीं, अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो करो, तो इस बात की डिक्लेरेशन भी देना कि ये मेरा पैसा है और बैंकों का पैसा नहीं है, किसी और का पैसा नहीं है।
ठीक है ना, ताकि कल को कोई बैंक वगैरह एक्शन ना ले पाए कंपनी के ऊपर कि हमारा पैसा हमें दे, भाई हमने तो डिक्लेरेशन ली थी कि इसका पैसा है इस व्यक्ति का। ठीक है, डिपॉजिट इन द ज्वाइंट नेम, क्या डिपॉजिट ज्वाइंट नेम में हो सकता है? हाँ, मैक्सिमम तीन लोगों तक के नाम हो सकता है, तीन लोगों के नाम। अब जब ये ज्वाइंट नेम पे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाएगा तो कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? लिखा जाएगा ज्वाइंटली, आइदर और सर्वाइवर, फर्स्ट नेम और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर। अब इन दोनों में फर्क क्या है? आइदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर। आइदर वर्ड यूज किया जाता है वेयर दो हैं, और एनीवन और सर्वाइवर किया जाता है फॉर मोर देन टू। दो से ज्यादा के लिए एनीवन और सर्वाइवर, और दो के लिए आइदर और सर्वाइवर। ठीक है जी, चले। जैसे ही आप डिपॉजिट जमा कराएंगे 21 डेज के अंदर अंदर आपको डिपॉजिट रिसिप्ट इशू हो जाएगी। 21 डेज के अंदर अंदर आपको डिपॉजिट रिसिप्ट हो जाएगी जैसे ही डिपॉजिट आप जमा कराएंगे। तो डिपॉजिट रिसिप्ट कितने दिन में? विद इन 21 डेज। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चल, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान रखना पब्लिक कंपनी तुम्हें डिस्क्लोजर क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज जरूर करना है कि क्या आपने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है अपने डायरेक्टर से पब्लिक कंपनी को। सिमिलरली यहां पे भी कि क्या आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है अपने डायरेक्टर से, और प्राइवेट कंपनी को क्या बताना है कि क्या आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है अपने डायरेक्टर से या डायरेक्टर्स के रिलेटिव से, कि क्या आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है अपने डायरेक्टर से या डायरेक्टर के रिलेटिव से। याद है क्या डिपॉजिट नहीं है, वहां पर यह चीज आई थी। चले, पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी अगर डिपॉजिट की रीपेमेंट में आपने गड़बड़ कर दी तो फिर 18% का इंटरेस्ट लग सकता है, 18% का। क्रेडिट रेटिंग, मेंबर्स के लिए अगर मंगा रहे हो तो जरूरी नहीं है, बट पब्लिक से मंगा रहे हो तो यस, एलिजिबल कंपनी शेल लिखा है तो उन्हें क्रेडिट रेटिंग ऑप्टेन करनी पड़ेगी, यस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ऑप्टेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, क्या यह पॉसिबल है कि डिपॉजिट्स का पैसा समय से पहले ही वापस दे दिया जाए? मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है बंदा, मगर कब? 6 महीने बाद, उससे पहले नहीं। 36 महीने का डिपॉजिट है, 6 महीने बाद मांग सकते हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? सर इंटरेस्ट में तो बड़ी गड़बड़ है। फॉर एग्जांपल 36 मंथ का था, आपने 1 year and 7 month के बाद मांगा तो आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, 2 years इंटरेस्ट मिलेगा। बट आपने 1 year and 5 month के बाद मांगा तो आपको 1 year इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट है प्री मेच्योर का। तो प्री मेच्योर पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है उससे 1% नीचे, जैसे एफडी तुड़वाने पर 1% का पेनल्टी लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही। 6 महीने से पहले, ध्यान रखना प्री पेमेंट पर पूछ सकता है, 6 महीने से पहले प्री पेमेंट नहीं होगी, 6 महीने बाद हो सकती है। जो भी एलिजिबल इंटरेस्ट था -1% कर देना, जो भी एलिजिबल इंटरेस्ट था -1% कर देना। अगली बात, अगर डिपॉजिट 6 महीने से ज्यादा पे हुआ है किसी ईयर में, less than 6 month है तो उसे उस ईयर को एक्सक्लूड कर देना, 1 year 5 month, क्योंकि 6 महीने से कम है तो फिर 1 year का मिलेगा, इन 5 months का नहीं मिलेगा। और अगर 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा है तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 year 7 months मींस 2 years का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक हो गई इतनी बात? हाँ जी, एक क्वेश्चन आया है, डिपॉजिट का फर्स्ट लेक्चर क्या है? बेटा इस लेक्चर के बाद इसका मैराथन अपलोड हो जाएगा, वहां देख लेना। आगे फिर लॉ कहता है कि रिडक्शन जो हुआ है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में, डेट इज नॉट एप्लीकेबल। रिडक्शन नहीं होगा, नहीं किया जाएगा रिडक्शन। कब? रेट ऑफ इंटरेस्ट में, यानी कि वो जो 1% माइनस किया है ना, वो नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर मान लीजिए कंपनी डिपॉजिट्स की लिमिट को क्रॉस कर गई है गलती से, ज्यादा डिपॉजिट आ गया है, तो कंपनी अब उसे मैनेज करने के लिए रीपे कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की गलती है तो पीनल इंटरेस्ट किस बात का? कोई नहीं। और दूसरा, हमारे आर्मी ऑफिसर्स को, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एयरफोर्स हो, इनके ऑफिसर्स को अगर मान लीजिए प्री मेच्योर ये डिपॉजिट कराते हैं वॉर टाइम्स पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इनको पिनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, ये और इनकी फैमिलीज। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 और 76, ये है सेक्शन 76 कैपिटल ए। तो अगर कंपनी आपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में कोई भी धज्जियां उड़ाई, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स या फिर डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, अगर आपने कोई भी गड़बड़ की, तो ये पेनल्टियां आपका इंतजार कर रही हैं। कहता है डिपॉजिट तो रीपे करना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कंपनी के ऊपर मिनिमम 1 करोड़ और 2 गुना ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर का फाइन, और 10 करोड़ तक जा सकता है। अब कंपनी को इम्प्रिजनमेंट तो होगी नहीं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का फाइन लग सकता है, और इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की हो सकती है। ओके, अगर यह पता लग गया कि ऑफिसर ने जो डिफॉल्ट किया है वो जानबूझ के किया है, इंटेंशनल किया है, तो ये फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ही शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447 एज वेल। 447 मतलब वो फ्रॉड का भी दोषी हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, बढ़ सकते हैं। तो ये जी हमारा चैप्टर था जिसका नाम था डिपॉजिट्स।